श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बुरे ग्रहों का जो बुरा असर होता है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको सुफल में परिवर्तित कर देते हैं सिर्फ अपनी आदतों को बदलकर। अगर आप अपनी आदतों को बदल देते हैं तो ग्रहों का जो बुरा असर होता है वो कम हो जाता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का जीवन के सुख दुख पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं तो ये उपाय आपके लिए है। अगर आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए कोई बड़े उपाय, पूजा पठन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में ऐसे कई उपाय हैं जो आप अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकते हैं। बस आपको अपनी कुछ आदतों और स्वभाव में थोड़ा बदलना होगा। अपने व्यवहार और दिनचर्या में किया गया एक छोटा सा परिवर्तन भी आपके लिए ज्योतिष के उपाय जैसा कारगर साबित होगा। इसे व्यवहारिक ज्योतिष कहा जाता है। हमारे आसपास की हर चीज किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना व्यवहार बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस ग्रह के बुरे परिणाम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बिखरे हुए नोट रखने से अनावश्यक खर्च होते हैं, तो नोट जो है ना हमेशा सजा के रखिए। नोटों को इस प्रकार रखें कि सभी का एक हिस्सा एक तरफ हो, बड़े नोट और छोटे नोट क्रम में जमे हो। फिर बीमारी ठीक होने के बाद यदि कुछ दवाइयां घर में अस्त व्यस्त रखी हुई हो तो ऐसा बिल्कुल मत रखिए, उसको एक डब्बे में रख दीजिए, नहीं तो आप फिर बीमार होते रहेंगे हमेशा। तो यानी सबसे पहले हम राहु के उपाय पे आते हैं। यदि आप किसी स्थान पर गंदगी करते हैं तो आप पर राहु का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ेगा, इसलिए हमेशा अपने आसपास सफाई रखें। चंद्रमा और सूर्य के उपाय मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा माता और सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। माता पिता की सेवा सम्मान से आप जीवन भर सूर्य चंद्रमा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं आपको गुरु के उपाय बताता हूं। पीपल का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करके बड़ा करने से गुरु ग्रह के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, गुरु की कृपा मिलती है। उसके बाद शनि का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। शनि से लोग बहुत परेशान रहते हैं, डरते हैं, हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी से सम्मान पूर्वक काम करवाने और समय पर वेतन देने से शनि के सुफल प्रदान होते हैं। घूमने और व्यायाम से शनि का प्रभाव कम होता है, मंगल का बल बढ़ता है, पसीने में शनि के कारक नमक शरीर से बाहर रहते हैं। उसके बाद शुक्र के उपाय मैं आपको बताता हूँ। शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। अगर आप पत्नी से विवाद करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो इससे आपके तन और धन दोनों की हानि होती है, इसलिए आप पत्नी से विवाद बिल्कुल मत कीजिए। इसके बाद मंगल, मंगल भाई का कारक ग्रह है। उसकी कृपा चाहिए तो अपने भाइयों से प्यार और सम्मान से रिश्ता रखें, इससे मंगल के दोष दूर होंगे आपके। ये मैंने आपको ग्रहों के बुरे असर को कम करने के उपाय बताए, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।